एकेडमी नाम की लड़की जो मेला देखने गई थी रामारा, 16 साल की थी वो, 8वां साल में निकली वो, आज इतनी कमज़ोर है और उसको 15 दिन पुलिस ने रखा और 15 दिन रख के उसके साथ इतने मारपीट किए और वो बोली बाली एक आदिवासी लड़की, कोई माओस्ट नहीं, वो अभी मेरे साथ रहती है। अब बताइए आज उस लड़की का ज़िंदगी पूरा बिखर गया। और कुछ ऐसे महिला हैं जो शादी करके 8 महीना 9 महीना हुआ, 10 साल लग गए उनको जेल से आने में और इतने इतने सालों से बाहर आ जाते हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि जेल जाने से पहले ही इनको अधमरा बनाया जाता। अभी ये है कि जब मैंने मेरी प्रताड़ना के बाद बहुत कुछ कम हुआ कि अब ताने में थोड़ा पुलिस डरती है इस तरह से प्रताड़ना देने के। उससे पहले में जो महिलाएं गए, बहुत से महिलाएं बच्चों को जन्म दिया, कई महिलाओं का निप्पल्स को काट दिया गया, उनके चेष्टों के साथ करण शॉट दे के उनको बलात्कार किया गया, ये सब चीज़ें वहाँ का मामला है। तो आए दिन ये चल रहा है। अभी देखो लीगल ग्रुप को वहाँ से निकाल दिए, फिर पत्रकारों को, सब तो आपको पता ही है, फिर मुझ पर अटैक करें। पर पता नहीं जितना मुझ पर इस तरह का अत्याचार करते हैं तो मुझे यही लगता है कि उस अत्याचार से मेरे को और ताकत मिलती है। हमको इस लड़ाई में तो कभी हम कमज़ोर तो नहीं होंगे, हम लड़ते रहेंगे। आप सब, ऐसा नहीं है कि इस लड़ाई को सिर्फ हम लोग ने, आप सबका सहयोग है, साथ है। और ये मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी बस्तर आइए, बस्तर कुछ जंगलों में हमको चले और देखें कि वहाँ की क्या हो रहा है, किस तरह से वहाँ के लोगों का। और ये जो लड़ाई है, अब मुझे भी ये लगता था कि वाकई ये मतलब नक्सल को सरकार ने मारने के लिए हथियार दे के इस तरह कर रही है, लेकिन अब लगता है मुझे गलत, क्योंकि मुझे खुद अधिकारी लोग ये कहते हैं कि आदिवासी को मरना पड़ेगा, हर हाल में आदिवासी को मरना ही होगा क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये कीड़े मकड़े इतना मरना है। तो मैं बोली सर क्यों मरना है, आप ये सब लड़ाई बंद करो। मैं बोली आदिवासी को मारना बंद करो, मैं खुद ये लड़ाई करना बंद कर दूँ। तो बोला इनको तो मारेंगे ही क्योंकि इनको सरकार को ज़मीन चाहिए। अगर ये जिस ज़मीन में जल जंगल ज़मीन में बैठे हैं तो इनके रहते कभी खाली नहीं होगा, तो इसलिए मरना पड़ेगा। तो मैं बोली गैर आदिवासी की भी ज़मीन है तो उनका ज़मीन लेना आसान है, लेकिन आदिवासी का ज़मीन लेना मुश्किल है। वही पैसा कानून के तहत जो एक्ट बना है उसके तहत में चले तो सरकार कभी नहीं, ये कींच भी नहीं ले सकती ना आदिवासी की ज़मीन। इसलिए आदिवासियों को मार के ये जो करना चाह रहे हैं वहाँ पर, तो ये है वहाँ की लड़ाई वास्तविकता। तो ये कैसा विकास या ये कैसा वहाँ का जो छत्तीसगढ़ सरकार बोलती है कि हम तो यहाँ विकास करना चाहते हैं इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन मार के किसी को बगैर करके ज़मीन को खाली करके ये सब करके कौन सा विकास करना है? आदिवासी तो उसी में खुश है ना, अपने जल जंगल जन। अब आदिवासी जंगल जाते हैं अपना खेती करने या लकड़ी लेने, ये तो है, ये तो ऐसा नहीं है कोई गैस में बनाता है, तो उनको भी मार दिया जा रहा है। और ये बोल के कि जंगलों में जैसा आदिवासी लोग चले जाएँ लकड़ी लेने तो बोलते हैं नहीं माओवादी थे एनकाउंटर में इनको मार दिए फर्जी, और वो खेती करते रहेगा उसको मार, अगर खेती नहीं करे खाएंगे क्या, जंगल नहीं जाएंगे तो उनका जीवन यापन होगा कैसा, आधा ज़्यादा तो जीवन उनका जंगलों से निर्भर रहता है, कई चीज़ें मूलकंद मिलता है वो सबको अपना खोद के वो करके लाते हैं। तो आप जंगल नहीं जा सकते, खेती नहीं कर सकते, और जो चीज़ों को जैसे मुर्गा या ऐसे कुछ वन पालते हैं रखते हैं उसको भी जाके पूरा डकैत की तरह पुलिस मतलब जाके फोर्स जाके पूरा छीन-बीन करती है, तो आदिवासी जिए कैसे? अगर उसमें अगर उस बात को हम उठाते हैं और इस बात के लिए मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हैं तो हम नक्सलाइट हो गए, हमको देशद्रोही बना दे रहे हैं, बार बार यही कहते हैं नक्सलाइट है नक्सलाइट है, लेकिन अगर उनके लिए लड़ना ही हमारे लिए हमको ये नक्सलाइट का उपाधि देते हैं तो उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो अपने लोगों के लड़ूंगी। ऐसा तो नहीं है कि देशद्रोही का दायरा लगा के मुझे अंदर करे या नक्सलाइट का, उससे डर और भय से मैं इस लड़ाई को छोड़े, ऐसा नहीं है। तो आप सबसे यही है मेरा मतलब, आप लोग भी बस्तर आइए देखिए जिस तरह अच्छा लग रहा है, मतलब ये सब साथी वहाँ अगर बैठ कैसे बात, शायद मेरे लोगों को मेरे जो आदिवासियों को बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी कि ये लगेगा कि नहीं देखो उस जगह से यहाँ आके हमारी परेशानी को सुन रहे हैं, यहाँ सुनने यहाँ जो लोग हैं वो तो नहीं सुन रहे, वो तो डर के मारे चुपचाप वो मतलब अपनी जगहों में और नहीं करना चाहते, जिसको जो करना चाहेगा नक्सल के नाम से अंदर करते हैं। पर इससे डरना नहीं चाहिए, लेकिन अब सबकी अपनी अपनी सोच है और वो आगे नहीं आते हैं। आज देखो हमारे साथ साथ लोग जेल चले गए तो बड़ा हमको दुख लग रहा है, तो लग रहा है शायद मैं यहाँ नहीं आती तो वहाँ एक संगठन बना के हम आवाज़ देते घेराव करते तो कुछ तो होता, लेकिन ऐसा है हमको वहाँ चेहरे और ऐसे वहाँ के लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है तैयार। वी होप यू एंजॉय दैट स्पेशल मैसेज, आई राइट यू अगेन नेक्स्ट वीक, अंटिल देन योर्स फेथफुली Moo!